भगवान राम ने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। भगवान विष्णु का सातवां अवतार है भगवान श्री राम। अयोध्या में दशरथ जी के घर जन्म लेने वाले भगवान श्री राम को भगवान विष्णु जी का सातवां अवतार माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम का नाम लेने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। भगवान राम ने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। सहनशील व धैर्यवान भगवान राम का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है। आइए जानते हैं भगवान राम के अनमोल विचार, जिसको धारण करने से मिलेगी सच्चे सुख शांति की प्राप्ति। हिंदू धर्म की मान्यता है भगवान श्री राम का नाम लेने से व्यक्ति को अंतर मन शांति प्राप्त होती है और उसे सभी दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी कहीं भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने सभी कर्तव्य निभाए। भगवान राम के विचारों को अपनाने से व्यक्ति हर परेशानी से छुटकारा पा सकता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को भगवान राम का नाम लेने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। दशरथ पुत्र श्री राम के चरित्र की अच्छी बातों को हर कोई ग्रहण करने की कोशिश करता है। उनकी पूजा आराधना के साथ साथ उनके विचारों को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान श्री राम के उन विचारों के बारे में, जिनको अपनाने से जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान श्री राम के अनमोल वचन। जिनके मन में सदैव दूसरों का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। व्यक्ति सामने ना होने पर भी नाम से उसको जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक ना एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि एक जहरीले सांप को मार दिया जाता है। बिना पानी के बादलों के गर्जने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और भलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। ये थे भगवान राम के अनमोल विचार, जिसको जीवन में धारने से सभी प्रकार की समस्याएं से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। जय श्री राम।